नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी एक रेस्क्यू कॉल आया हमें पिंपल गांव से, ये अहमदनगर जिला में आता है ये गांव। तो वहाँ पर हम निकले हैं, रमेश ढोले इन्होंने कॉल किया था, उनका एक खेत तालाब है उसमें एक सांप गिरा हुआ है। दोस्तों उसको रेस्क्यू करने के लिए हम निकले हैं, अभी वहाँ पर जाकर देखते कौन सा सांप है, उसको पकड़ कर हम एक सेफ जगह पर फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए कैमरामैन अतुल पाकरे के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम भारत में भारतीय नाग नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम पिंपल गांव में पहुँचे हैं, रमेश ढोले इनका ये खेत तालाब था, इन्होंने फ़ोन किया इसको रेस्क्यू करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हमने खेत तालाब से एक स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम भारत में भारतीय नाग नाम से जानते हैं दोस्तों, और ये जहरीला सांप होता है। ये इतना जहरीला है कि इसका एक बूंद जहर लगभग 20 से 25 लोगों को मार सकता है, इतना ये जहरीला सांप है। दोस्तों सांप एक नेचर, एक पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए हमने इसको मारना नहीं। ऐसे ही अहमदनगर में हम सांपों को बचाने का काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप सांपों को क्यों बचाते हैं, सांप तो लोगों की जान ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी लोग सांप काटने से मरते हैं, उतने ही उससे ज़्यादा, हजारों गुना ज़्यादा सांप के बनाए गए जहर के, सांप के जो जहर है उससे बनाए गए मेडिसिन से बचता है। क्योंकि लगभग मेडिसिन में 25% से भी ज़्यादा सांप के जहर से बनाया गया मेडिसिन हमें मिलता है। तो इसलिए इतना ही नहीं, सांपों के बहुत सारे फायदे हैं। चूहा मेंढक का खात्मा करते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे अनाज का फायदा होता है, और ये पर्यावरण का हिस्सा होने के कारण हमें इसको मारना नहीं है। तो दोस्तों अभी इस सांप को हम
फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए जाने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए।